हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली फेमस रेसिपी सरसों पापड़। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने 6 पीस पापड़ फिश ले लिया है और फिश को मैंने अच्छे से क्लीन करके रखा है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। सरसों का ऑयल अगर आप मैरिनेट के टाइम अच्छे से मिक्स करके रखेंगे तो हम जब फिश को फ्राई करेंगे तो ऑयल नहीं छिड़केंगे ऊपर से। अभी मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सरसों ले लिया है। सरसों को मैंने पानी में भिगो के रखा था 15 मिनट पहले। और 2 टीस्पून खसखस ले लिया है, खसखस को भी मैंने पानी में भिगो के रखा था। अभी मैं इन दोनों को मिक्सिंग जार में डाल ली हूँ। डाल के हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने से सरसों का कड़वापन नहीं रहता। ये देखिए पेस्ट हमारा रेडी है। अभी मैंने यहाँ पे पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल दे दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं। अभी मैं फिश को डाल रही हूँ। हमें फिश को दोनों साइड से हल्का फ्राई कर लेना होगा। फिश हमारा एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं पलट देती हूँ। फिश हमारा दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। ऐसे करके मैं बाकी फिश को भी फ्राई कर लेती हूँ। अभी सेम पैन में मैंने 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड किया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून कलौंजी डाल रही हूँ और हमने जो सरसों का पेस्ट बना के रखा था अभी इसको भी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिला लेती हूँ। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करी हूँ। सॉल्ट आप ध्यान से ऐड कीजिए क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट डाला था फिश में और मसाले में भी। और 1/2 टीस्पून चीनी ऐड करी। अभी मैं सारे चीज़ों के साथ सरसों को अच्छे से मिला लेती हूँ 2 मिनट के लिए। अभी मैं इसमें 1 कप जैसे पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा बॉईल आने देती हूँ। ये देखिए बॉईल आना शुरू हो चुकी है। अभी जो मैंने फिश को फ्राई करके रखा है वो डाल रही हूँ। धीरे धीरे करके फिश को ऐड कर लीजिए। अभी मैंने 4 हरी मिर्च को बीच में से फाड़ के दे दिया है। अभी ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए इसको कुक होने देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। हमारा सरसों पापड़ बनके एकदम रेडी है। इसको आप गरम गरम चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, तो देखा ना आपने कितना आसान है बनाना और कितने कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।